अब से भाई लॉकडाउन लग गया, पैसे भी बहुत कमी हो रही है यार, कहाँ से लेके आया यार। देखो मैं तुम्हें एक ऐप बता रहा हूँ, इसमें देखो मेरा वॉलेट है, इसमें देखो 122 रुपये पड़े हुए हैं। अरे मुझे बताओ यार कैसे होंगे यार ये। हाँ देखो लिंक डिस्क्रिप्शन में, उस पर अगर तुम क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, और जिसमें तुम्हें मतलब अपना मोबाइल नंबर डालना है और OTP डालना है, ठीक है, उसके बाद फिर पासवर्ड डालना है, और रेफर कोड अगर वहीं से मेरा यूज करोगे तो तुम्हें 10 रुपये कैश इंस्टेंट मिलेगा, ठीक है, खेलने के लिए। मैं कैसे मान लूँगा, मुझे अभी दिखाओ करके। यकीन नहीं आ रहा, देखो ये देखो मैं तुम्हें अपनी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दिखा रहा हूँ, देखो मैंने कितने ट्रांजैक्शन किए हैं इससे। तो एक तो भी करके दिखाओ मुझे। अच्छा तो मैं करके दिखाऊँ। देखो अभी यहाँ पे मेरे 122 रुपए हैं, और मैं देखो 120 रुपए यहाँ पे ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने 120 रुपए डाले, तो इससे मैं बैंक मैंने UPI से पहले लिंक कर रखा, तो देखो यहाँ पे मैंने किया और यहाँ पे श्योर कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिख के आ रहा 10 मिनट में आ जाएंगे मेरे पैसे, ठीक है, अकाउंट में, ठीक है। तो अभी जाओ डिस्क्रिप्शन में, अभी करता हूँ, डाउनलोड कर लो फटाक से, ठीक। और एक तरी एक चीज़ और बताऊँ, यहाँ पे देखो एक लिंक और पड़ी होगी टेलीग्राम की, ठीक है, उसमें मतलब डेली का रॉय रैम, मतलब डेली का कोई ना कोई हर घंटे बाद 4-4 रुपए के कूपन डालते रहते हैं, ठीक है, तो उन्हें पे क्लिक करो आराम से और 4-4 रुपए अर्न करो, हर घंटे मिलते रहते हैं। तो जाओ अभी डाउनलोड करो, लिंक सही है, मैं सब करता हूँ, ठीक है, आप लोग भी भाई कर लो, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप कर लेना भाई, मिलेगा, ठीक है, मिलते हैं फिर। अरे लौंडा अपडेट हो गया, क्या बात है, मेरा नया इवेंट आया, चलो आ जाओ पकड़ते हैं। अरे ये कहाँ गया, ढूंढ भी जरा यार इसको, तेरे बाप का नौकर उकर हूँ मैं, है? और ये बताइए बड्डे तू इसको साथ साथ तू कहाँ ले घूम रहा है, जहाँ गांठ देखी नहीं साला, पागल हो जाता है, खड़ा भी होता है तेरा, और हाँ पूरा खड़ा होता है एकदम, मुझे खुलवा दो, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। अभी रुक जा तू। ओए एड्रेस बता दे, घर आऊंगा तेरे लेने, मतलब मिलने। वो तुम क्यों जाओगे इसके लिए, मिलने के लिए इसके घर पर? वो इसलिए जाऊंगा क्योंकि दया के बिना ये पहला केस है जो सॉल्व हो रहा है। देखना ये बताओ दया कौन है? दया को नहीं जानते हो? नहीं, हमारी टीम में दया नाम का बहुत जाबाज ऑफिसर था, जैसे गांव मतलब सॉरी उसे दरवाजे तोड़ने का बहुत शौक था। ये भी मिल रहा है जवान करने का यार, हमें छोड़ के चले गए। ए राम ऐसे सबको, अरे वो मरा नहीं है यार, वो हमें छोड़ के चले गए। तो क्या हुआ, ऐसा तो नहीं उसकी तुमने मार ली है? ऐसा नहीं है, हम तो सही बताता हूँ पूरी बात है क्या। बात थी ऐसी, उसके पास थी रुपए की बहुत ज्यादा कमी, ठीक है, उसने ली सिपाही, उसने भी उसका मर्डर कर फरार हो गया है, हम उन लोग उसको ढूंढ रहे हैं, इसलिए दया ऊपर नहीं कहीं घूम रहे। ओए तू मेरे संग चल। नहीं साहब। ओए नहीं, हट, कुछ नहीं करूंगा यार, उसके फायदे की बात है, आज तुझे CID में भर्ती करूंगा। जो बात होगी यही होगी, सही है। देखो दया तो अपने पास है, अब मैं सोच रहा हूँ कि इसी को उसकी जगह भर्ती कर दूँ। वो तो बात सबको सही, पर ये बताओ जो कोने में क्या कहाँ का तुम्हारा वो है, चलो जब देखो तो कोने में तैयार हो, पर मुझे झाड़ी कितनी दोगे? झाड़ी मिल जाए तुझे, जहाँ सब चलती होगी वहाँ तुझे मिलेगी, ठीक है। वैसे हम जा कहाँ रहे थे? हम वो खून में पकड़ने लेके जा रहे थे ना, तो घोष लेके यहाँ करके आ रहे हो, चलना उसे पकड़ ले, चलना। रुक रुक रुक, एक बात बता, जब से मैंने इसे भर्ती किया है तुझे बहुत जलन फील हो रही है? तो नहीं, तू टेंशन मत ले, मेरे रिटायर होने के बाद मैं तुझे ही बनाऊंगा। सही बात, मुझे तो ना बनेगा, नहीं बनेगा यार, क्यों टेंशन ले। पकड़ते
शादी के लिए काम करते तो तुम ये खूनी क्यों बन गए थे? बात ये है ना, तो कारण होते हैं जिनकी वजह से खूनी बनना पड़ता है, ठीक है? मेरे आगे मजबूरी थी। क्या मजबूरी थी ना? ये खून करने के लिए कौन सी मजबूरी होती है? मैं बता नहीं सकता हूँ ना, बात ये है। क्यों? अरे जो बात है वो है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ, बस बोल रहा हूँ। आइए सीआरडी मुसली भी हो रहे। हाँ चलो जगता हूँ क्या मैं तुम लोगों से। साले तूने हमें मारा कैसे आज? हम तेरी कार तोड़ेंगे। तुम्हारे बस की नहीं है, बाप को भेजो अपने। अरे ओ, इनके बाप हम हैं, मुझसे निपट। अब हुआ बदला पूरा। जब तक इसे होश आता है। मैंने सुना है ऐसी भी कोर्ट पेंट में रहते हैं महाराज जिसमें। ये मैं सनी लियोन के जी करता हूँ, तुमने उसका नाम सुना है? कहाँ? वो मेरी जिया है। वो मेरी जुगा है। अरे होश आ गया होगा अभिजय, और अभिजीत को बुला लिया, जल्दी जा। क्या है? होता है ऐसे? क्यों मारा तुमने? तुम थोड़ी देर इंतजार करो, तुम खुद पता लग जाएगा कि मैंने क्यों मारा था उसे। देखता हूँ, आराम से इंतजार करो, तुम्हें खुद पता लग जाएगा। करता हूँ इंतजार, फिर देखता हूँ तुझे क्यों मारा था। कुत्ता मारो पहले बताओ, ये इंतजार करने से पता कैसे चल जाएगा? हाँ यार, टेंशन में तो मैं भी हूँ, कैसे पता चलेगा? हेलो हेलो, हाँ मैं दया बोल रहा हूँ। हेलो दया। हाँ। अरे तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे ऊपर जो क्रीम था वो मैंने हटवा दिया, मैंने लिखवा दिया था कि वो जो लड़का था वो बीड़ी पी के मर गया। सब पता है, मेरे बंदा साहब ने बता दिया था। हाँ ठीक है, तुम हमारे पास आओ, जब आओ 24 घंटे में पकड़ के दिखाओगे। क्या नहीं आओगे 24 घंटे में ढूंढ के दिखा? हम तुम्हें 10 मिनट में ढूंढ देंगे। 10 मिनट में? तुम पता हमारी गैंग कितनी तेज है। ठीक है 24 घंटे पकड़ लेता हूं। ठीक है चलो, अभी जी जैसे ढूंढना है इसने 24 घंटे का टाइम दिया है। आ जाओ चलते हैं, जल्दी पहले ढूंढते हैं इसे। ए बुड़बक, ये बताओ इसे ढूंढेंगे कहां? ढूंढते हैं, कहीं ना कहीं तो होगा। तो हम लोग कितनी भी कोशिश कर लो पर तुम दया को नहीं ढूंढ सकते हो, क्योंकि उसका पता सिर्फ मुझे ही पता है, क्योंकि सिर्फ मेरे ही कहने से ही वही निकलता है, मेरे ही कहने से वो अंदर जाता है। उसका ताला चाबी सब मेरे पास है, खाना पानी का भी इंतजाम उसका मैं ही करता हूँ, तो तुम उसके बारे में सोचो भी मत। साले पूछी थी किसी ने तुझसे? पूछी थी? अभी यही बताएगा साला, कहाँ है दया? दया तुम्हें नहीं मिलेगा। लेकिन मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि अगर मैं गया और दया को पता लग गया कि मैंने बताया है तो उसे अच्छा नहीं लगेगा, मैं उससे नाराज नहीं करना चाहता। दया एड्रेस मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, चाहो दया से मिल लो, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है? जाओ आराम से, एड्रेस मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। मेरी बात सुन, तू इसका ध्यान रखना, हम दोनों दया को लेने जा रहे हैं। ठीक है यार, ध्यान रख इसका। आ जाओ।
क्लॉक टावर बोला था, टावर तो सारा क्लॉक कहाँ गया? क्लॉक से क्या मतलब है, अंदर लेना है। ये बता उसने जो बात कही थी वो बात मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? हाँ वो बात तो सही है, तो क्लॉक से तुझे क्या मतलब है? हाँ तो इसमें देख लेते हैं ना। आ जाओ देख लीजिए। यही है दया सबो। हाँ भाई, और बड़े सुन लिया मुझे, बाहर निकल के आओ, मेरा बहुत डर गया। हेलो, लेकिन डरता हूँ आपसे। बड़ा धूप हो रही है। मेरे मैडम को धूप ही लगेगी। सर कहाँ ले जा रहे हो? किसके पास ही तुझे लेके चलते। किसके पास? कौन है? एक मटर तुमने किया था, एक मटर उनने किया था। हाँ तो बच्चे हम और एसीपी। अरे एक मटर हमने भी किया है यार। तुम किसका मटर किया बता, पहले तू छोड़ तभी बताऊंगा। ठीक है। वो झाड़ू लगाता था उसका ही मटर किया है मैंने। और तुम